कांग्रेस के ऊर्जावान साथियों और मध्य प्रदेश के बहादुर साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सूर्य ने संध्या काल में अस्त होते हुए पूछा कि पूरी रात घनघोर अंधियारे का मुकाबला कौन करेगा, तो एक दीपक खड़ा हुआ और कहा कि अंधियारे की आखिरी किरण तक मैं अंधियारे से लड़ूंगा जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, और दृढ़ता से लड़ूंगा। साथियों, मध्य प्रदेश के लोग और कांग्रेस के वर्कर और साथी 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए घनघोर अंधियारे से लगातार लड़ रहे हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को जो सूर्य उदय होगा उसमें अन्याय की हार होगी, उसमें बेरोजगारी की हार होगी, महंगाई की हार होगी, भ्रष्टाचार की हार होगी, भाजपा की हार होगी और कांग्रेस पार्टी 135 से अधिक सीटें लेकर अपने वचनों को पूरा करेगी। साथियों, यह चुनाव जनता बनाम भाजपा का है, यह चुनाव मध्य प्रदेश से घोटाले राज को अंत करने का है। 18 साल का शिवराज सरकार का वो कुशासन जिसमें बच्चों के पोषण आहार से लेकर और 45 लाख स्कूल ड्रेस किसी को नहीं बख्शा गया, जिसमें आदिवासियों के अपमान से लेकर महाकाल लोक को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, जिसमें युवाओं के भविष्य को मंडी लगाकर बेच डाला गया, वो व्यापम हो, वो पटवारी की नौकरियां हो, वो भाजपा के लोगों के कॉलेजों से पास होते फर्जी लोग हो, आदिवासी अपमान हो, दलित अत्याचार हो, इन सब ने अब मध्य प्रदेश के लोगों की सब्र का बांध तोड़ दिया है। भाजपा को जनता ने नकारा और अब एक फर्जी सर्वे का सहारा। मध्य प्रदेश में सभी एजेंसियां, सभी अखबार कांग्रेस की प्रचंड जीत की, बहुमत की ओर इशारा कर रही हैं, साफ बता रही हैं, पर भाजपा केवल उस एक फर्जी झूठे सर्वे के सहारे है जिसमें वो अपनी मनगढ़ंत जीत बता रहे हैं। और कारण भी साफ है, वो अधिकारियों पर दबाव डालकर वही करना चाहते हैं जैसे बालाघाट में उन्होंने पोस्टल बैलेट के साथ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, पर वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने वाले। मेरे प्यारे साथियों और मध्य प्रदेश की बहादुर जनता को मैं केवल ये कहूंगा, आपने निर्णय कर दिया 17 तारीख को, कांग्रेस की जीत निश्चित है, केवल परिणाम आने बाकी हैं और उस 3 दिसंबर की जीत की खुशी मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासी, दलित, युवा, महिला, किसान, उनके चेहरे पर जग जाहिर है। हां, मैं अधिकारियों से भी कहूंगा जो किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जान ले कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कांग्रेस की अगली सरकार एक एक पाई का हिसाब करेगी, आपराधिक कार्यवाही जो लोग अपराध करेंगे उनके खिलाफ होगी, FIR दर्ज भी होगी और प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी। मैं यही कहूंगा आखिर में, आइए सस्ती बिजली की शुरुआत कांग्रेस के साथ करें, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल नारी सम्मान की बात कांग्रेस के साथ करें, आइए 500 रुपए के गैस सिलेंडर की शुरुआत कांग्रेस के साथ करें, आइए किसानों के कर्जा माफी की बात कांग्रेस के साथ करें, आइए कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात कांग्रेस के साथ करें। इसलिए हम वचन निभाएंगे और मध्य प्रदेश के लिए खुशियां लाएंगे। आइए 3 दिसंबर को प्रजातंत्र का एक ऐसा बेहतरीन उत्सव बना दें जिसमें जीतेगी कांग्रेस और जीतेगा मध्य प्रदेश। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।